तो अगर घोस्ट राइडर और लूसिफर के बीच अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा? अगर बात करें घोस्ट राइडर के सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन की तो वो है घोस्ट राइडर ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि घोस्ट राइडर को मार्वल का सबसे पावरफुल कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है, जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, सुपर रिफ्लेक्सेस, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर और पायरोकिनेसिस जैसी एबिलिटीज हैं। और अगर बात करें लूसिफर की तो इसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, एनर्जी प्रोजेक्शन, रियलिटी अल्टरेशन, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, साइज अल्टरेशन, एलिमेंट कंट्रोल, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, टाइम मैनिपुलेशन और इनवल्नरेबिलिटी जैसी एबिलिटीज हैं। सीधे लफ्जों में अगर कहें तो लूसिफर के पास फिनोमिनल कॉस्मिक पावर्स हैं। आपके हिसाब से अगर लूसिफर और घोस्ट राइडर के बीच अगर फाइट होती है तो कौन जीतेगा, कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।